पक्षियों का मौसम शुरू हो गया था। टुनी चिड़िया अपना घर बनाने के लिए सारा सामान ले आई थी, लेकिन बारिश लगातार हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे घर बनाने के लिए सारा सामान ले आई हूँ, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं उसे बारिश रुकने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अपना घर इस बारिश में ही बनाना होगा, वरना मैं इस बारिश में भीगते भीगते मर जाऊंगी। ये कहकर टुनी चिड़िया अपना घर बनाने में मसरूफ हो गई और फिर मुसलसल मेहनत और लगन से उसने अपना घर आखिर बना ही लिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अगर हम मुसलसल मेहनत करें तो अपने मकसद को पाने में कामयाब हो जाते हैं। जंगल में बहुत जोर से बारिश हो रही थी। टुनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो चिड़िया के साथ एक दरख्त की शाख पर बैठी बारिश थमने का इंतज़ार कर रही थी। लाडो चिड़िया ने जब इर्द गिर्द बाकी पक्षियों के घर बने हुए देखे तो अपनी माँ से बोली, माँ सब पक्षियों के घर और घोंसले बने हुए हैं, लेकिन हमारा कोई भी घोंसला नहीं है। हम कभी दरख्त की एक शाख पर बैठ जाते हैं तो कभी किसी दूसरे दरख्त पर रात गुजारती हैं। ऐसा क्यों है माँ, हमारा घर किधर है? टुनी चिड़िया अपनी बेटी की बात सुनकर हैरान रह गई। वो अपनी बेटी को ये सच नहीं बता सकती थी कि यहाँ का राजा जालिम बाग उसे अपने जंगल में घोंसला बनाने नहीं देता। इसलिए वो जल्दी से बोली, मेरी प्यारी जानो, शुरू शुरू में जब मैं इस जंगल में आई तो मैं ज़्यादातर बीमार रहती थी, इसलिए मैं अपना घोंसला न बना पाई। तब से आज तक मैं इसी तरह कभी एक दरख्त की शाख पर तो कभी किसी दूसरे दरख्त की शाख पर जिंदगी गुजार रही हूँ। टुनी चिड़िया की बात सुनकर लाडो चिड़िया बोली, तो माँ अब तो आप ठीक हैं, मैं और आप मिलकर अपना घोंसला बना लेते हैं। लाडो की बात सुनकर टुनी चिड़िया खौफज़दा हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि राजा बाज बहुत हुसीला है और वो नहीं चाहती थी कि वो जालिम बाज लाडो को कोई नुकसान पहुँचाए। इसलिए वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं हम ऐसे ही ठीक हैं और ऐसे भी मुझे इस तरह रहना अब अच्छा लगता है, और बस अब तुम खामोश हो जाओ, मैं मज़ीद इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती। टुनी चिड़िया की बात सुनकर लाडो चिड़िया नाराज़ हो गई और फिर जब रात हुई तो उसने खाना भी न खाया और चुपचाप एक साइड पर होकर बैठ गई। इसी तरह सारी रात गुजर गई। जब सुबह हुई टुनी चिड़िया की आँख खुली तो उसने देखा कि लाडो चिड़िया गायब है। वो परेशान हो गई और इर्द गिर्द लाडो चिड़िया को ढूंढने लगी।
आखिर उसे एक दरख्त पर लाडो चिड़िया दिखाई दी जो कि तिनके इकट्ठे करने में मसरूफ़ थी। वो जल्दी से लाडो चिड़िया के पास गई। लाडो चिड़िया टोनी चिड़िया को देखते ही बोली, देखो माँ, मैंने सारे तिनके इकट्ठे कर लिए हैं, बस अब थोड़ी ही देर में हमारा घोंसला बन जाएगा। लाडो की खुशी देखकर टोनी चिड़िया कुछ ना बोली और चुपचाप लाडो चिड़िया के साथ घोंसला बनाने लगी। थोड़ी देर बाद घोंसला तैयार हो गया। जब जंगल के राजा बास को पता चला तो वो जल्दी से उधर आ गया और बोला, हे टूरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ अपना घोंसला बनाने की? मैं इसी वक्त तुम्हारा घोंसला तोड़ रहा हूँ और अब तुम यहाँ इस जंगल में नहीं रह सकती। ये कहकर वो सालिम बास आगे बढ़ा। लाडो चिड़िया ने जैसे ही बास को आगे बढ़ते देखा तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस तरह सारे पक्षी इकट्ठे हो गए। मासी बुलबुल सारी कहानी जानती थी इसलिए वो बोली, मेरे ख्याल में राजा बास तुम अच्छा नहीं कर रहे, अब तुम्हें टूनी से अपनी दुश्मनी ख़त्म कर देनी चाहिए। अब तो इसे इस जंगल में आए हुए अरसा हो गया है, अब तो इसका बाकी पक्षियों की तरह इधर घोंसला बनाने की का हक है और तुम्हें इसे ये इजाज़त देना होगी। बाकी पक्षियों ने भी जब मासी बुलबुल की बात सुनी तो इससे इत्तफाक किया। इस तरह राजा बास ने टोनी चिड़िया को वहाँ घोंसला बनाने की इजाज़त दे दी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम किसी काम के करने का इरादा कर लें तो हमें चाहिए कि मुस्तकिल मिजाजी से उस पर अमल पैरा हो, क्योंकि इस तरह हमारे रास्ते की तमाम मुश्किलें खुद ब खुद आसान होती चली जाती हैं।